आपको लगता है कि इंदौर में भी जो है आपके विभाग को और आपके मंत्रालय को और मुस्तैद होना होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में सबसे ज़्यादा यदि उम्मीदें किसी शहर से हैं तो वो इंदौर से हैं। वहाँ पर जो आसपास जी चाहे वो प्रीतमपुर हो या आसपास जितना भी इलाका हो, सावेर इंडस्ट्रियल है, सावेर है, तो वहाँ पर आवश्यकता हमारे विभाग को और सतर्क रहने की है। और अगर वहाँ पर कोई दूषित पानी होता है या हवा में कोई प्रदूषण फैलता तो उसमें हम और सख्ती से काम कर सकें। एक राजनीतिक सवाल भी करना चाहूँगा, कांग्रेस में जब आप थे तो कितना कंफर्ट जोन था, भारतीय जनता पार्टी में तो कितना कंफर्ट जोन है? तो वहाँ पर व्यक्तिगत काम करना पड़ता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन के रूप में काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पर पूरी पार्टी जब भी मैदान में जाती है तो एक संगठित होकर जाती है और वहाँ पर बिखरी हुई है वहाँ इस गुट का और इस गुट का, तो कहीं ना कहीं दो ही में कार्यशैली में बहुत अंतर होना चाहिए। और आपने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैसे जो है सर्जरी भी की है प्रशासनिक तौर पर ताकि एक पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके? बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर भी बात आती है पर्यावरण विभाग के NOC लेना है, नवीनीकरण करवाना है या फिर लाइसेंस लेना है, तो एक विभाग में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती थी। मैं जब पहली बार शपथ ली और उसके बाद इनकी मीटिंग ली तो मीटिंग में साफ मेरे निर्देश थे कि जनता की सुविधा के लिए अपना विभाग है, उसमें बहुत सुधार आया है। अगर कोई कमी आती है और आपके माध्यम से आपको भी हम जवाबदारी देते हैं, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी आती है तो आप बताएं, उसको सुधारेंगे